चले। आऊं खुदावन के घर चले, जहां बरकतें मिलती हैं, जहां बरकतें मिलती हैं। आऊं खुदावन के घर चले, जहां नेमतें मिलती हैं, जहां नेमतें मिलती हैं। आऊं खुदावन के घर चले, आऊं खुदावन के घर चले। ते बेटे ते रूप आकते ना दे उत्ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूप आक दी सांच तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। प्यारे भैणो ते भराओ, अस खुदा दे परिवार जे इकट्ठे होके भरोसे दे नाल खुदा बाप दे कोलों अपने गुनाहां दी माफ़ी मंगीए, क्यों जो मेहर अते प्यार नाल भरिया होया है। मैं
पूरी कुदरत वाला खुदा साढ़े उत्ते दया करे अते साढ़े गुनाहों नू माफ करके सानू सदीवी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। ਵੱਡਿਆ ਆਈ
असी प्रार्थना करिए। खुदा तू इस उत्तम सैक्रामेंट दे राही अपने दुख तसीहां दी एक यादगार दिती है, सानू अपने शरीर ते लहू दे पवित्र भेद दा इस प्रकार आदर करन दा फसल बख्श कि असी सदा अपने अंदर मुक्ति दे फल नू अनुभव करिए, तो जो खुदा बाप दे नाल रूह पाक दी एकता विच इक खुदा जीवंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तीक। आमीन। परमेश्वर मसीह तुहाडे दिल ते जुबान दित्ते होए तक योग ढंग दे नाल तुसीं प्रभु दे वचन सुना सको, बाप ते बेटा ते रूह पाक दे नाम ते। पाठ पहला विविस्ता सार दा ग्रंथ उसका 8:2-3 अते 14-16 इस दे नाल ही तुसी उजाड़ विचले 40 दा सफ़र भी याद रखना कि किस तरह तुहाडे दिलां दे भेद नूं जानन वास्ते तुहाडे ते उसने परतावे कले कि ओ जाने कि तुसी उस दे हुक्मां दा पालना करदे हो या नहीं। उसने दीन करन दे वास्ते तुहाडे ते भोजन संकट आउन दिता, पर उसने तुहाडे इस संकट समय तुहानू दैवी रोटी खाण दे लई दित्ती, पर जिस बारे ना तां तुसी जानदे सौ अते ना ही तुहाडे पुरखे। उसने ये सब इस लई कीता कि ओ तुहानू सिखावे कि मनुख केवल रोटी नाल जीवंदा नहीं रहेगा। तद तुहाडे मन फुल जान अते तुसी प्रभु अपने परमेश्वर नूं जो तुहानू मिस्र देश दी गुलामी दे घर विचों बाहर कढ के लियाया है भुल जावो, अर्थात उस प्रभु अपने परमेश्वर नूं जो तुहानू वड्डी भयंकर उजाड़ विचों दी जिथे नाग अग्नि सप अते खतरनाक थूमे सन ओ तुहानू उस धरती तों दी लै गया जिथे पानी तक नहीं सी, पर उसने तुहानू सख्त पत्थर दी चट्टान विचों पानी पिलाया अते तुहानू उजाड़ विच दैवी रोटी खाण लई दित्ती जिस बारे तुहाडे पुरखे जानदे तक नहीं सन। उसने तुहाडे नाल ये सब इसलिए कीता कि तुहानू परतावे विच पा के दीन करे कि ओ तुहाडा अंत भला कर सके। उसने तुहानू मन्ना खिलाया जिसनू ना तां तुसीं जानदे सी अते ना ही तुहाडे वर्गे। ये प्रभु दी पाक बाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। बंदा तो लश्करां दा खुदा है, खुदा बंदा तो लश्करां दा खुदा है। मेरी जान चौंदी तेरी बारगाह करता सना है, मन मेरा तन भी करता सना है, मेरा मन मेरा तन भी करता सना है। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है। ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, चंगा लगा है ठिकाना तेरा।
पाठ दूसरा, कुरिन्थियों के नाम, सेंट पौलुस का पहला पत्र, उदा दस बाब 16 तो 17 ऐत। धन्यवाद का प्याला जिसनू असी आसीस देंदे हाँ कि यह मसीह दे लहू विच शरीक होना नहीं, रोटी जिसनू असी तोड़दे हाँ कि यह मसीह दे शरीर विच शरीक होना नहीं, क्योंकि रोटी एक है, इसलिए असी बहुत हो के भी एक शरीर हाँ, क्योंकि असी सारे एक ही रोटी दे सांझीदार बनते हाँ। ये प्रभु की बाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। प्रभु तुहाडे नाल होए अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। पाठ पवित्र अंजील संत यूहन्ना दे अनुसार तेरी वडियाई होवे ऐ प्रभु। उस दर्शे बाप 51 तो 58 तक। जीवंदी रोटी मैं हाँ जो स्वर्ग तो उतरी है, जेकर कोई इस रोटी विचों खांदा है वह हमेशा लई जीवंदा रहेगा, अते संसार जीवन ले जो रोटी मैं देवांगा वो मेरा मास है। तद यहूदी आपो विच ये कहिंदे हुए बहस करन लगे, ये आदमी किस तरह अपना मास सानू खाण लई दे सकदा है। इसलिए यीशु ने उन्हां नूं कहा, मैं तुहानूं सच सच कहिंदा हाँ, जेकर तुसीं मनुख दे पुत्तर दा मास नहीं खांदे अते उसदा लहू नहीं पींदे ता तुहाडे विच जीवन नहीं है। वो जो मेरा मास खांदा है अते मेरा लहू पींदा है अनंत जीवन उसदा है, अते मैं उसनू अंतम दिन जिंदा करांगा, क्योंकि मेरा मास सच्ची मुची भोजन है अते मेरा लहू पीण वाली शै है। जो मेरा मास खांदा अते मेरा लहू पींदा है वो मेरे विच रहिंदा है अते मैं उस विच। जिस तरह जीवंदे बाप ने मैनू कल्या है मैं बाप दे कारण जीवंदा रहिंदा हाँ, उस तरह मैं जो मैनू खांदा है वो मेरे कारण जीवंदा रहेगा। ये रोटी है जो स्वर्ग तो उतरी है, ये उस वर्गी नहीं जो तुहाडे पुरखियां ने खाधी सी अते वो मर गए। जो कोई ये रोटी खांदा है वो हमेशा दे लई जीवंदा रहेगा। ये प्रभु दी पवित्र अंजील है। तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा। मसीह विच प्यारे पैनो ते भराओ, संत थॉमस अक्विनास पाक यूक्रिस्त पाक शराकत दा बड़ा वड्डा भगत सी। एक रात
ਜਦੋਂ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਰਟਰੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਟੋਮਸ ਅਕਵੀਨਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ। ਟੋਮਸ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਟੋਮਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਨਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਸੰਤ ਟੋਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਵਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਸੰਤ ਟੋਮਸ ਦੀ ਇਹ ਅਰਜ 6 ਦਸੰਬਰ 1273 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੜਾ ਆਚਰਜ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਔਰ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਕ ਯੂਕ੍ਰਿਸਟ ਮਤਲਬ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ 7 ਸਾਕਰਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ। ਉਸ ਇਸ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਯੇਸ਼ੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਦਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਬਦਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕ ਯੂਕ੍ਰਿਸਟ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਯੇਸ਼ੂ ਨੇ ਕਲਵਰੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯੇਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਇਸ ਪਾਕ ਕਲਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੇਸ਼ੂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇਸ਼ੂ ਨੇ ਜੋ ਕਲਵਰੀ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਲਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਨਿਜ਼ਾਦ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ,
एक कुर्बानी प्रभु दे सामने असी प्रशंसा दे राही प्रभु दी आराधना दे राही उसनू सृष्टि दा सिरजनहार अते दुनिया नू चलाउण वाला मानदे होए चढ़ाउंदे हां। एक कुर्बानी हो जिनू असी धन्नवाद दी जां शुक्रगुजारी दी कुर्बानी कहिंदे हां। जिस कुरबानी दे विच असी सानू परमेश्वर दे वल्लों मिली अनगिणत आशीषां दे बरकतां दे लई प्रभु दा असी धन्नवाद करदे हां। इस कुरबानी दे विच असी साडी जिंदगी दे विच प्रभु दे वल्लों कीते गए महान कम्मां दे लई असी प्रभु दा धन्नवाद ते प्रभु दी उस्तत करदे हां। एक ओह कुरबानी जिस दे विच साढ़े पापां की माफ़ी दे लई परमेश्वर दे अगे चढ़ाई जाती वो कुरबानी जिदे विच यीशु अपना आप साढ़े लिए बाप दे सामने समर्पण कर दिंदा। पुराने नेम दी कुरबानियां दे विचों जदों असीं इक कुरबानी नूं देखिए तो कहा जाता है यहूदी लोगों का विश्वास की सी। यहूदी लोग अपने पापां की माफ़ी दे लई जंगल दे विच एक जानवर लेला जा पेड़ ले जांदे सन और फिर उस लेले दे द्वारे सारे लोग इकट्ठे हो जांदे सन और उस लेले दे उत्ते अपने पाप जड़े सन उन्हें सुट्टदे सन ते विश्वास करदे सन कि जदों ये सुट्टण दा काम करदे हन कि उन्हां दे सारे पाप उस लेले ने चुक ले हन और जदों उस लेले दे उत्ते सारे अपना बोझ लद चुके होंदे सन ते फिर उस लेले नूं उजाड़ बियाबान जां गहरे जंगलां दे छड्ड दित्ता जांदा सी और जदों इस लेले नूं इस तों कोई ज़्यादा खतरनाक जानवर खा जांदा सी ते फिर मन्निया जांदा सी कि उन्हां दे पाप जिहड़े हन वो खत्म हो गए हन। पर यीशु मसीह ने अपनी एक ही कुरबानी दे द्वारा बाकी सारिया कुरबानियां नूं अयोग ठहरा दिता। यीशु की एक कुरबानी के नाल साढ़े पापां की माफ़ी सानू मिल गई। यीशु की एक कुरबानी देन दे कारण अज सानू दूसरिया कुरबानियां दूसरिया बलियां प्रभु दे अगे चढ़ाउण की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कुरबानी दे विच यीशु ने अपना खून अते अपना बदन दे दिता और उस खून अते बदन दे कारण जो उसनू खांदा ते पींदा है वह शुद्ध होएगा और उस दे विच जीवन होएगा। आपां क्या सी वह जड़ा इस बदन अते लहू नू खांदा पींदा नहीं है उहदे विच जीवन नहीं है। बेशक शरीरक तौर पर वह जीवंदा रहेगा पर उस दे विच वह आत्मिक जीवन जिदे नाल असीं जीवंदे रहांगे जिदे नाल असीं अनंत जीवन दे विच प्रवेश करांगे वह जीवन उसनू कदी नहीं मिलेगा। पाकमास की कुरबानी होवे जां कोई दूसरा सैक्रामेंट होवे ये सारे की शक्ति का साधन है यीशु मसीह की मौत दुख भोग अते जी उठना। पाकमास की कुरबानी दे विच असी उस कुरबानी नू याद करदे हां जो यीशु ने अपने दुखां दे राहीं अपने दुख भोग दे राहीं अते जी उठन दे राहीं बाप दे अगे समर्पण कीती। ये वो असली अते सच्ची कुरबानी है जिदे विच यीशु मसीह दा बदन अते लहू सचमुच हाजर रहिंदे हन। पाकमास की कुरबानी परमेश्वर दे नाल साडी एकता नू कायम करदी है। साडा रिश्ता जिहड़ा बाप दे नालों टुट गया हुंदा है पाप दे कारण उस रिश्ते नू फिर तो बनाया जांदा है। पाकमास की कुरबानी साडी जिंदगी दे अंदर आनंद ले आउंदी है। पाकमास की कुरबानी साडे पापां की माफ़ी सानू दिलांदी है। यही पाकमास की कुरबानी प्रभु का आत्मा सानू दिलांदी है अते यही पाकमास की कुरबानी मौत का हल बनती है जां मौत की दवाई बनती है। इसलिए अज असी प्रभु का धन्नवाद करिए प्रभु ने यह जो महान तोहफा दिता है सानू पाक युक्रिस्ता इस दे विच अक्सर
जिन्नी वारी भी असी भाग लीए जिन्नी वारी भी इस स्वीकार करिए उन्नी ही वारी ये पाक यूक्रिस्ट सानू झूठ तो सच्चाई वाल लै जाती है, हनेरे तो सानू रोशनी वाल लै जाती है, अते मौत तो सानू अनंत काल वाल लै जाती है। इसलिए अज अपने आप नू असी प्रभु दे अगे समर्पण करिए ताकि इस पाक यूक्रिस्ट दे राही यीशु दे पाक बदन ते लहू नू खाण पीण दे राही असी उहदे नाल इक हो जाइए, साडे विच अनंत जीवन हो जाए, असी सच नू जाण लीए ते हमेशा उस सच की गवाही देन दे योग बन जाइए। रसूलां दा कलमा। मैं खुदा ते मां रखदा हां जिहड़ा बाप पूरी कुदरत वाला आसमान ते जमीन दा पैदा करने वाला है। मैं यीशु मसीह ते मां रखदा हां जिहड़ा उस दा इकलौता बेटा अते साडा खुदावंद है। रूह पाक दी कुदरत नाल कुआरी मरियम दे गर्भ विच पिया अते उस तों जम्मिया। उसने पैंतुस पिलातुस दे ऐद विच दुख उठाया, सलीब उते चढ़ाया गया, मर गया ते दबिया गया, बरजक विच जा उतरिया, तीसरे दिहाड़े मुर्दियां विचों जी उठिया, आसमान उते चढ़ गया, खुदा बाप पूरी कुदरत वाले दे सज्जे हत्थ जा बैठा, जिथों जीवदिआं ते मुर्दिआं दा इंसाफ करन लई फिर आवेगा। मैं ईमान रखदा हां रूह पाक उते इक पाक कैथोलिक कलीसिया, पाक लोकां दी शराकत, गुनाहां दी माफी, जिस्म दा जी उठना अते हमेशा दी जिंदगी उते। आमीन। प्यारे भराओ ते भैणो, दयालु खुदा बाप ने सानू इत्थे इकट्ठा किया है ताकि असी उस दीआं बरकतां दे नाल भरपूर हो के खुशियां दा अनुभव करिए। असी खास तौर ते इस दे लई दुआ करिए कि असी सब खुशियां नू अपने गुआंढियां दे नाल सांझा करना सिखिए। असी अपनियां बाकी जरूरतां दे लई भी दुआ करिए अते आखिए, ऐ प्रभु साडी दुआ सुन, ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। प्रभु यीशु तू साडा बादशाह है अते अपने प्यार दे राज वल साडी अगवाई करदा है। सारे धर्म अधिकारियां नू तेरी पैरवाई करनी सिखा। अनवचन। ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। प्रभु यीशु तू बादशाह है अते शांति दे राज वल साडी अगवाई करदा है। सारे ईमानदारां नू तेरी पैरवाई करनी सिखा। अनवचन। ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। असी दुआ करिए कि जेड़े ईमानदार इस पाक मास विच हिस्सा लै रहे हैं वह प्रभु यीशु दे समर्पण भाव नू समझण अते उहदे मुताबक विहार करना सीखण। अनवचन। ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। ऐ प्रभु असी प्रार्थना करते हाँ कि जिन्हां ने तेरे पाक नाम उत्ते निहचा कीती है ते अपनियां सारियां लोड़ां नू तेरे ते छड्डिया है, प्रभु किरपा करके उन्हां सारियां दियां सारियां लोड़ां नू पूरा करो तां जो ओ लोग होर भी तेरे प्रति अपने प्यार अते विश्वास नू गूढ़ा कर सकन। अनुवचन। ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। ऐ प्रभु असी ये विश्वास करते हाँ कि तुसी उसनू असीस अते बरकत प्रदान करते हो। जिहड़े विश्वास करते हैं कि सचमुच तेरे बदन अते लहू विच बहुत शक्ति है अते जिहड़े पाक रोटी विच तेनू ग्रहण करते हैं, प्रभु तुसी उन्हां दीआं शरीरिक अते आत्मिक लोड़ां दी पूर्ति करो। अनुवचन। ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। ऐ प्रभु यीशु असी अपने ईमान नू तेरे ते लियांदे हाँ क्योंकि असी जानदे हाँ कि तेरे सिवा होर कोई प्रभु नहीं, तेरे नाम तो इलावा होर कोई नाम नहीं जो सानू बचा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीहा असी अपने दिल दे दीवार तेरे लिए खोलदे हाँ प्रभु, होन दे कि अज असी सच्चे मन दे नाल तेनू ग्रहण कर सकीए। अनुवचन। ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। आओ इस वेले असी अपनी बाकी सारिया दुआवां सारी अरजां सारी जरूरतां ते मिन्नतां प्रभु दे हत्थां दे सौंपदे होए मां मरियम दी सिफारिश दे द्वारा प्रार्थना करिए। सलाम में मरियम, फजल नाल भरी होई, खुदावंद तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरी कुख दा फल यीशु। ऐ हज़रत मरियम खुदा दी मां, असां गुनाहगारां लई दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले। आमीन। तकल है।
सूरत ना वेख मेरी साफ तक लै यसू, शकल सूरत ना वेख मेरी दिल साफ तक लै यसू, शकल सूरत ना वेख मेरी दिल साफ तक लै यसू, धन्यवाद दी पेट ले आया हाँ चरना विच रख लै यसू, धन्यवाद दी पेट ले आया हाँ चरना विच रख लै यसू, दसवंद दुआवां मेरिया चरना विच रख लै यसू, दसवंद दुआवां मेरिया चरना विच रख लै यसू, दिल तेरा तां वेखदा मैं, दिल तेरा तां वेखदा मैं, दिल तेरा तां वेखदा मैं, अपने अज दी सोचदा मेरे कल नूं भी तूं वेखदा, मेरे कल नूं भी तूं वेखदा, मेरे कल नूं भी तूं वेखदा, ये सच है कुछ नहीं हो सकदा तेतों होके वक में यसू, ये सच है कुछ नहीं हो सकदा तेतों होके वक में यसू, ये सच है कुछ नहीं हो सकदा तेतों होके वक में यसू, ये सच है कुछ नहीं हो सकदा तेतों होके वक में यसू, धन्यवाद दी पेट ले आया चरना विच रख लै यसू, धन्यवाद दी पेट ले आया चरना विच रख लै यसू, शकल सूरत ना वेख मेरी दिल साफ तक लै यसू, शकल सूरत ना वेख मेरी तू साफ तक लै यसू, धन्यवाद दी पेट ले आया हाँ चरना विच रख लै यसू, धन्यवाद दी पेट ले आया हाँ चरना विच रख लै यसू, चरना विच रख लै यसू, चरना विच रख लै यसू, प्रभु ते बणो प्रार्थना करो कि मेरी तुहाडी कुरबानी पूरी कुदरत वाले खुदा बाप नू कबूल होवे, प्रभु इस कुरबानी नू तुहाडे हथां दे विचों अपने नाम दी उस्तत अते वडियाई लई अते साडे अते सारी पाक कलीसिया दे भले लई कबूल करे, प्रभु अपनी कलीसिया दिया नजरानियां नू कबूल कर, इस भेद दे बनाए जान दे राही सानू शांति ते एकता दा वरदान दे साडे प्रभु मसीह दे राही, आमीन, प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे, असीं अपने दिल प्रभु वल लगाईए, असीं अपना दिल प्रभु वल लगाउंदे हां, असीं अपने प्रभु खुदा दा धन्नवाद करिए, इह सही अते योग है, ऐ प्रभु पवित्र बाप पूरी कुदरत वाले ते अकाल खुदा, इह सचमुच सही अते योग है, मुक्ति पाउण दा राह है कि असीं हर वेले अते हर थां यीशु मसीह अपने प्रभु दे राहीं तेरा धन्नवाद करिए, उह सच्चा ते अकाल पुरोहित है जिसने सदीवी कुरबानी मुकर्र की, साड़ी रिहाई ले उसने अपने आप नू कुरबान किया, उसने सानू सिखाया कि उसकी याद विच असी ये पेंट चढ़ाईए, जद असी उसका शरीर खांदे हाँ अते उसने साडे लिए कुरबान किया है जो असी मजबूत हुंदे जांदे हाँ, जद असी उसका लहू पींदे हाँ जो उसने साडे लिए बहाया तां असी उसके लहू दे नाल धो के शुद्ध किए जाते हैं, इसलिए फरिश्तियां ते महा फरिश्तियां ते सारे स्वर्गीय लश्करां दे नाल मिलके असी तेरी महिमा दे गीत गाउंदे हुए ये ऐलान करते हाँ, जमीन आसमान तेरी वड्डियां
होसना होसना पाक 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 खुदा सदा पाक 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 खुदा सदा खुदा सदा लश्करां दा खुदा ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਤਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਈਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰਸਨ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ ਆਮੀਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹਨਾਂ ਤੂੰ ਸਮਾਨਤੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ
तू जजियों दा तराज करदा है सदा तुम सदा तीक आमीन प्रभु दी शांति सदा तुहाडे नाल होए अते तुहाडी रूह नाल भी होवे असी आपो विच शांति दा सलाम दईए देखो खुदा दा लीला इन वेखो जड़ा संसार दे गुनाह चुक लेंदा तन हन ओ जड़े लीले दे भोज लई सदे गए हन है प्रभु मैं सियोगता नहीं हां कि तू मेरी छत ले आवे पर एक ही शब्द आग ता मेरी रूह चंगी हो जावेगी शिकर हमें रू से भर जुम्बश कर हमें रू से भर जुम्बश कर हमें रू से भर जुम्बश कर हमें रू से भर रू के मसा में यीशु कुल जहान ते तेरे बदन लहू दिया सिफतां ही हुंदियां ने कुल जहान च ओदे सब कम सफल हो जांदे जो रखे ने चाहे सो महान ते ओदे सब कम सफल हो जांदे जो रखे ने चाहे सो महान ते ओदे सब कम सफल हो जांदे जो रखे ने चाहे सो महान ते ओदे सब कम सफल हो जांदे जो रखे ने चाहे सो महान ते मैनू अपने लहू च छुपा यीशु मैनू अपने लहू च छुपा यीशु हाँ मैनू अपने
ਯੇਸੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਯੇਸੂ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦੇ ਤੋ ਆ ਯੇਸੂ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦੇ ਤੋ ਆ ਯੇਸੂ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਯੁਗ ਕ੍ਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਅਨੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਸਕੀਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੇਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਭਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਐ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਮੇਨ। ਮਰੀਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। प्रभु हम किसके पास जाएं, हे प्रभु, हे प्रभु हम किसके पास जाएं। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, अनंत तो तेरे पास है। हे प्रभु, हे प्रभु हम किसके पास जाएं, हे प्रभु, हे प्रभु हम किसके पास जाएं। ਪਾਸ ਜਾਏ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਪਾਸ ਜਾਏ।